तो नहीं सर, सच्चाई है। यहां जितने भी हिंदू परिवार थे सब पलायन कर गए। और आपको एक सच्चाई और बता रहा हूं, आजादी के बाद इस इलाके में 90% हिंदू थे, और अब एक ही परिवार बचा था और वो भी गायब है। फुल प्लानिंग के साथ मर्डर हुआ लगता है सर। हमारे शहर के सबसे सीनियर पत्रकार हैं जो एक्चुअल में पत्रकारिता कर रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ तो जरूर पता है, तो बताओ कोई कुछ नहीं रहा है। इस परिवार के सारे लोग तभी से गायब हैं जब से वो लाश मिली। हमारी ताकत है कौमी एकता, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कौम के लिए काम करें। जब ऐसे लोग पावर में आते हैं ना, फिर जो ये चाहते हैं वही करते हैं। आप देख लेना, हमें नहीं रहने देंगे यहाँ। पर यहाँ से लोग चलेंगे तो घर और दुकान दोनों पर कब्जा है। सबको पता है कि वहाँ चल क्या रहा है, बस कोई कुछ बता नहीं रहा है। ऐसा या तो किसी के दबाव में होता है या फिर किसी के प्रभाव में। सब खत्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नरक में रह रहे हैं। सदर कॉलोनी में जो मंदिर है वहाँ पे तलाश मिली है। तेरा हिसाब किताब तो मैं करूँगा। अब कुछ नहीं, बदरुद्दीन ने हमें फंसा लिया। अरे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हर एक जवान लड़का आज गुस्से में। जहाँ भी अल्पसंख्यक ज्यादा हो जाते हैं बहुसंख्यकों को बैकआउट करने लगते हैं, और फिर शुरू होता है लड़ाई झगड़ा वगैरह। जंगल में इंसानी खोपड़ी जली भी मिली। गलत को गलत नहीं कहोगे ना तो जो ना समझ है ना उनके लिए वही सही हो जाएगा। तो ऐसा लगने लगा कि लोग दुश्मन बन गए हमारे। एक धर्म का आदमी जब दूसरे धर्म के आदमी को मारता है तो मरता तो इंसान ही है ना।